और यदि कोई सनातन धर्म का अपमान करता है, माने हमारे उन पूर्वजों की संस्कृति का, योगदान का और बलिदानों का, और उस भारतीय संस्कृति का अपमान करता है जो कि कई वर्षों से हमें सिंचित करती आ रही है, इस माटी को सिंचित कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी भी उनको परास्त करेगा ज़रूर। और ऐसे जो बोल बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पर टिक पाना उनका मुश्किल है। अगर सनातन धर्म का मुद्दा उठाया ही गया है और स्टालिन की सरकार ने उठाया है ये मुद्दा, और स्टूडेंट जो आज का स्टूडेंट है वो अपने मूल को लेके बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगी कि जागरूक है और अपने मूल को नहीं भूलने वाला है, तो आप अगर किसी के मूल को छेड़ेंगे, किसी के कहूँ तो किसी के जड़ को छेड़ेंगे, तो आज का जो नागरिक है, आज का जो छात्र है, आज का जो युवा है, वो आपको मुँह की खिलाएगा। सनातन धर्म को कुछ कहना या कुछ उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बिल्कुल ही वो गलत है, क्योंकि जो हम देखें अपना देश, जो भारतीय संस्कृति रही है वो सनातन धर्म से ही परिपूर्ण है, उसको छेड़ना, उस पर बातें करना, ये मैं समझता हूँ कि ओछी हरकतें हैं। अलग अलग जो संभावित प्रत्याशी हैं चुनाव के लिए, वो प्रत्याशी जो हैं अपने समर्थकों के साथ जो है संख्या बल के साथ इस आज की जो छात्र गर्जना रैली है उसमें पहुँच रहे हैं, और इस समय अगर बात की जाए तो पूरा जो नॉर्थ कैंपस है वो एबीवीपी के नारों से गूंज उठा है, और 22 सितंबर को जो है यहां पर ये चुनाव होगा, 15 सितंबर को जो है आखिरी तारीख है नॉमिनेशन, और उसके बाद विड्रॉल की आखिरी तारीख है, और उस समय जो है वो कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे अलग अलग छात्र संगठनों की तरफ से, ये जो है खुल करके सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव है, ये दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, जिसमें लाखों जो विद्यार्थी हैं वो इस लोकतंत्र में जो है हिस्सा लेते हैं, लोकतंत्र में जो ये चुनावी प्रक्रिया होती है विश्वविद्यालय में, जो यहाँ पर छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं, इसमें लाखों से ज़्यादा छात्र जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों से जुड़े हुए, अलग अलग फैकल्टीज़ के जो छात्र छात्राएं जो हैं वो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आपको बता दें 50 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिनका अफिलिएशन जो है वो डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के साथ है, और उसमें कॉलेज स्तर पर जो है वो अलग जो है चुनाव कराए जाते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अलग चुनाव कराए जाते हैं। आपको बता दें कि जो ये अलग अलग कॉलेज हैं पूरी दिल्ली में फैले हुए कॉलेज हैं, एक संसदीय चुनाव से ज़्यादा जो है इसको महत्वता दी जाती है, क्योंकि जो भी इसमें चार पदाधिकारी चुन करके आते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के नाते, उनकी जो यहाँ पर काउंसिल बनती है, पूरे दिल्ली में जो कॉलेज फैले हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन कॉलेजों में जो है स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए जो है वो काम करते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, और किस प्रकार से यहाँ पर विश्वविद्यालय के सामने कभी भी कोई जो है मुद्दा उठाना हो, कभी भी कोई बात रखनी हो, उसके लिए जो है यहाँ पर ये चुनाव कराए जाते हैं कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाते जो है ये अपनी बात जो है आगे प्रॉक्टर से या फिर जो भी तमाम ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है विश्वविद्यालय के उनके सामने जो है अपनी बात को रखेंगे। और अब एक लंबे समय के बाद जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में ये चुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं। आखिरी बार ये चुनाव जो है 2019 में हुए थे, उसके बाद जब 2020 में ये चुनाव जब होने थे उस समय जो है कोरोना काल आ गया था, और कोरोना की वजह से जो है ना ही 2020 में चुनाव हो पाए, ना ही 2021 में चुनाव हो पाए, और ना ही अगर बात की जाए तो 2022 में ये चुनाव जो है हो पाए, और अब आखिरकार जो है 3 सालों के गैप के बाद 2023 में दोबारा से जो है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के इन चुनावों को जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर JNU-SU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो चुनाव है वो भी कराया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में इस समय मैं मौजूद हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय फिर से रंग चुका है चुनावी रंग में। आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव है, उसकी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, और इस समय कुछ ही देर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो यहाँ पर एक बड़ी रैली का जो है आयोजन करने वाली है। हमारे साथ इस समय जो एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे, क्योंकि NSUI जो है वो कांग्रेस से अफिलेटेड है, और अभी जो है 24 की तैयारी भी चल रही है 2024 चुनाव की, लेकिन अभी एक डिबेट पूरे देश में चल रही है सनातन धर्म को लेकर के, लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है उनका पेरेंट विंग है, और उनके साथ जो गठबंधन में बाकी दल भी शामिल है वो लगातार इस चीज़ की कवायद दे रहे हैं कि हम जो है 26 के 26 दल इसीलिए काम कर रहे हैं, हमें सनातन धर्म के खिलाफ लड़ना है, सनातन धर्म को ख़त्म करना है, रोज़ाना नई नई स्टेटमेंट आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं?
इसको सीधा से ऐसे देखे जा सकता है कि सनातन धर्म तो ना ही किसी पंथ की बात है, सनातन धर्म भारत देश की बात है जो कि कई सदियों चली आ रही है। और यदि कोई सनातन धर्म का अपमान करता है, माने हमारे पूर्वजों की संस्कृति का, योगदान का और बलिदानों का और उस भारतीय संस्कृति का अपमान करता है जो कि कई वर्षों से हमें सिंचित करती आ रही है, इस माटी को सिंचित कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी भी उनको परास्त करेगा ज़रूर। और ऐसे जो बोल बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पर टिक पाना उनका मुश्किल है। और इस चुनाव में भी क्या उनका जो छात्र संगठन है NSYU उसको नुकसान होगा इस चीज़ का? छात्रों के बीच में ये चीज़ चल रही है इस समय सनातन धर्म को लेकर जो INDIA गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। देश का हर मुद्दा इस विद्यार्थी का मुद्दा है, देश का हर मुद्दा दिल्ली विश्वविद्यालय का मुद्दा है, और इस देश का हर मुद्दा इस पूरे शैक्षणिक संस्थानों का जितने भी भारत में है उनका मुद्दा है। और एक एक मुद्दा जो कि इस भारत को इम्पैक्ट डालता है वो इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भी असर डालता है। और हम देखते हैं जिस प्रकार से लगातार देश तोड़ने की बातें करते हैं, ये लगातार जो JNU में देश विरोधी नारे लगाते हैं उनके साथ गठबंधन बनाते हैं, जो लगातार डेमोक्रेसी की उसको दबाने का प्रयास करते हैं, लोगों की आवाजों को दबाने का प्रयास करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट में दिखाता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को सब समझ में आता है कि कौन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के बात करने वाले लोग हैं, परंतु कौन ऐसे लोग हैं जो उसको जमीन पर क्रियान्वित करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्टूडेंट्स को यह फर्क साफ नजर आता है। 3 साल के बाद यह चुनाव हो रहा है और हम देख रहे हैं कि NSYU और ABVP के बीच सीधे तौर पर जो है यहाँ पर चुनाव देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच सबसे पहला सवाल ये, दिल्ली में इस समय मौजूद हैं 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, CYSS जो उनका छात्र संगठन है, छात्र युवा संघर्ष समिति, वो नहीं नज़र आ रहा है मैदान में। मुझे ऐसा लगता है कि नज़र तो तब आएंगे जब पूरे साल भर काम किया होगा। ये जो चुनाव होता है ये उन विद्यार्थियों के मध्य में चुनाव होता है जो कि अपने आप में देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो कि बहुत पढ़ लिख के बहुत अकेडमिक्स में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स सिरे से नकारते भी, और उन लोगों को मालूम है कि उनकी राजनीति और उनके कुछ भी मुद्दे जो आधारहीन हैं और उनका कोई आधार दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को पिछले कई वर्षों से नहीं मिला है। जब कोविड भी था तब भी ऐसे कई छात्र संगठन अपने घरों में बैठे हुए थे, मात्र विद्यार्थी परिषद था जो कि यहाँ पर था। मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद की जो लड़ाई है वो इसी की लड़ाई है कि ऐसे छात्र संगठन जो कि साल भर अपने घरों में छिपे रहते हैं वर्सेस एक वो संगठन जो कि पूरे साल भर 24/7 विद्यार्थियों के बीच में काम करता है। इसी बीच अगर ये बात की जाए तो चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि NSYU जो है हाल ही में एक बड़ा उसमें चेंज हुआ, राष्ट्रीय प्रभारी के नाते यहाँ पर नियुक्त किया गया कन्हैया कुमार को, वही कन्हैया कुमार जो वाम दल से आते हैं, वहाँ पर पहले JNU में जो है प्रेसिडेंट रहे। और अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जब उन्होंने कहा था ज्वाइन NSYU टुडे, लूट इंडिया टुमारो, और आज वो उसी NSYU के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। क्या ये मुद्दा भी जो है चुनाव में चल रहा है छात्रों के बीच? बिल्कुल, ये मुद्दा अपने आप में है क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जब वो सरेआम झूठ बोलते हैं और उस झूठ के साथ ही की मुहिम में खुद ही जुड़ जाते हैं, तो ये विद्यार्थियों के लिए आई ओपनर भी और आँख खोलने वाली बात है कि ऐसे जो दोगले लोग हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे और हमें उनसे इसी चुनाव में बच के भी रहना होगा। जी, आपका क्या नाम? रतन प्रिया। आप क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दा जो है बैकफुट पर लेकर जाएगा कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSYU को, जो सनातन धर्म का मुद्दा चल रहा है, लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं विपक्षी गठबंधन की तरफ? अगर सनातन धर्म का मुद्दा उठाया ही गया है और स्टालिन की सरकार ने उठाया है ये मुद्दा, और स्टूडेंट जो आज का स्टूडेंट है वो अपने मूल को लेके बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि जागरूक है और अपने मूल को नहीं भूलने वाला है, तो आप अगर किसी के मूल को छेड़ेंगे, किसी के कहूँ तो किसी के जड़ को छेड़ेंगे, तो आज का जो नागरिक है, आज का जो छात्र है, आज का जो युवा है, वो आपको मुँह की खिलाएगा। और आज का जो छात्र संघ चुनाव है 2023 का, उसमें NSYU को देखने को मिलेगा जब वो मुँह की खाएंगे। CYSS नहीं नजर आ रही मैदान में आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग, और पिछले 3 बार से सरकार है आम आदमी पार्टी की यहाँ पर, 2 बार से फुल फ्लैज सरकार है दिल्ली में। हो सकता है ABVP से डर गए हो। बिल्कुल हो सकता है ABVP से डर गए हो। क्या नाम है आप? मेरा नाम पुलकित है। पुलकित यहीं के रहने वाले? जी, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और यहीं रहता हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। बार बार ये कहा जाता है छात्र संघ का जो चुनाव है, इस चुनाव से, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, युवा क्या सोच रहे हैं, युवा के मन में क्या चल रहा है, ये कहीं ना कहीं परिदर्शित करता है ये चुनाव। मोहित नागर ने भी ये बात कुछ देर पहले कही 2014 में, जो छात्र संघ के यहाँ से अध्यक्ष जीत करके आए थे। आपको क्या लग रहा है यहाँ से 2024 की दिशा जो है तय होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जब मानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव पूरे देश भर का एक छात्र संघ चुनाव सबसे बड़ा रहता है, और पूरे देश भर की निगाहें, चाहे वो युवा हो चाहे अन्य जितने भी संगठन हो, वो सबकी निगाहें इस पे रहती है। और ये निश्चित ही है कि ये जो छात्र संघ का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय का रहने वाला है, ये 2024 के चुनाव को लेकर युवाओं की क्या सोच रहती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो कार्यशैली है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले साल भर, पूरे 3 साल कोरोना के समय में जो कार्य किया है,
जो साल भर कार्य करने वाली है उसको लेकर युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर बहुत अच्छा एक माहौल है। और मुझे लगता है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों ने, जो यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना मत बना लिया है कि हम देश के साथ हैं, हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो देश के साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ हम बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ चुनावी मेंढक की तरह, जब बरसाती मेंढक की तरह चुनाव से पहले आते हैं और झूठे वादे करते हैं। सनातन धर्म का काफ़ी मुद्दा चल रहा है यहाँ पर, NSUI जो चुनाव लड़ रहे हैं वो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी की, क्या बैकफुट पर लेकर जाएगा उनको? लगातार रोज स्टेटमेंट आ रही है, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं प्रकरण, कभी उनका उच्च शिक्षा मंत्री बात करते हैं, कभी उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर बात करते हैं, कभी प्रियांक खड़गे बात करते हैं, लगातार ये स्टेटमेंट सनातन धर्म पर आ रही है। अब तो ये भी कह दिया गया जो 26 दल हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ ही जो है यहाँ पर ये विपक्षी गठबंधन बनाया। जी, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, सनातन धर्म को कुछ कहना या कुछ उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बिल्कुल ही वो गलत है, क्योंकि जो हम देखें अपना देश, जो भारतीय संस्कृति रही है वो सनातन धर्म से ही परिपूर्ण है, उसको छेड़ना, उस पर बातें करना, ये मैं समझता हूँ कि ओछी हरकतें हैं। और ये जो NSUI और ये जो राजनीतिक दल ये लगातार इस पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि पिछले तीन साल से हम सभी जानते हैं NSUI हो या अन्य छात्र संगठन हो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहे थे, उनके पास ना मुद्दे हैं ना छात्रों का समर्थन है, इसलिए अब वो अपनी ओछी राजनीति पर उतर रहे हैं और छात्रों पर गलाने का वो काम कर रहे हैं। सनातन धर्म छात्रों के अंदर जो मूलभूत छात्रों के अंदर संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो हर एक छात्र के अंदर है और हम समय समय पर देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फर्क NSUI को इस बार देखने को मिलेगा। तो 3 साल से वो वादे करती है, झूठे वादे करती है, इस बार उनको करारा जवाब छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र उनको देगा। NSUI के लिए आपने बात कह दी, व्यक्तिगत राय आपकी हटकर पूछना चाहूँगा, संगठन की लाइन से हटकर व्यक्तिगत राय, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा क्या चाहता है 2024 में? जो बदलाव की बात कर रहा है विपक्षी गठबंधन उनको चाहता है, या दोबारा से तीसरी बार जो है दोबारा से यही सरकार सत्ता में? मेरा मानना है कि जो युवा है वो ये जानता है कि जो छात्र और जो समाज के लिए, जो अपने देशभक्ति के लिए जो सरकार ने पिछले वर्ष या पिछले 9 वर्षों से कार्य किया है, जो आने वाले हम देखें जितने भी कार्य कर रहे हैं, वो ये जानता है कि कोई भी ऐसा फेरबदल नहीं होने वाला है, 2024 के अंदर भी यही सरकार आएगी और आने वाले समय में और इच्छा से कार्य हमारी करेंगी। तो मेरा मानना, तो आप देख सकते हैं इस समय छात्र गर्जना रैली जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से निकाली गई है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में अलग अलग जगह जो है एक ही समय पर छात्र गर्जना रैली का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में हुजूम जो है छात्रों का और उनके साथ समर्थकों का, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ नजर आ रहा है। सनातन धर्म तो ना ही किसी पंथ की बात है, सनातन धर्म भारत देश की बात है जो कि कई सदियों से चली आ रही है। और